Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. And काफी time हो गया है vlog किए. Actually camera नहीं है ना. अगर आपने हमारे पुराने vlogs को follow किया होगा तो आपको पता होगा हमारा जो vlogging camera था उसमें कुछ problem आ गई थी और lockdown की वजह से उसको repairing में ज़्यादा time लगा because all the way प्रयागराज से उसको नोएडा जाना था और अब वो रिपेयर हो गया. फाइनली हमारे पास कॉल आ गया कि ऑल इज़ वेल और वो वहाँ से उन्होंने बना करके डिस्पैच कर दिया. 2-3 दिन में हमारे पास आ जाएगा. सो नाउ आई एम हैप्पी एंड कन्विंस्ड क्योंकि कैमरा ख़राब हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. आदत है कैमरे से ही करने की इसलिए मोबाइल उठाना थोड़ा सा टफ लगता है. उधर बीच कई सारे काम थे जो इधर उधर पड़े हुए थे तो मैं वो कर रही थी. एनीवेज आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हो, मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको. और इन द मीन टाइम मेरा वर्कआउट चल ही रहा है. मैंने आप लोगों से कहा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो इधर उधर हो जा रहा है कि क्या मैं कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ. आज शोल्डर्स का डे है तो शोल्डर वर्कआउट आज है मेनली तो उसको कर लेंगे. तो पहले वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं. और इनकी ड्यूटी लग गई है, एक कोरोना हॉस्पिटल है उन उसके इंचार्ज हो गए हैं तो उसमें और भी ज़्यादा उनके लिए हेक्टिक हो गया है. तो ये दिन का टाइम उनका होता है जब वो जाते हैं अभी फ़िलहाल. और आप सब काफ़ी टाइम से दही बड़े की रेसिपी मुझसे मांग रहे हैं तो अब बहुत ही जल्दी आपको दही बड़े की रेसिपी मिलने वाली है. तो चैनल पे ऐसे ही बने रहिए, जल्दी ही दही बड़े की रेसिपी आपको मिलने वाली है. अब मैं क्योंकि मैंने प्री वर्कआउट मील भी ले लिया था और अब टाइम भी हो गया है तो फटाफट से पहले चेंज कर लेती हूँ फिर मिलते हैं. सो आई एम रेडी फॉर माई वर्कआउट. चलिए थोड़ा सा मेरा वर्कआउट देख लीजिए और उसके बाद आज काफ़ी सारे काम है जो करने हैं. अराउंड 6:30 बज रहे हैं शाम के, काफ़ी सारे काम हैं वो मैं बताती हूँ बट पहले वर्कआउट कर लेते हैं. मीन टाइम आरव भी सो करके उठ गए. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. आजकल आरव का नया क्रेज़ हो गया लूडो खेलना. सबको पकड़ पकड़ के सबसे लूडो खेलवाता है और हमेशा जीत जाता है. बेबी किंग बन जाता है ना. बेबी येलो लेता है? नहीं, बेबी तो रेड लेता है. अभी भी सो के उठा है इसलिए ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं है. और मेरी सारी नेल पेंट्स भी निकल चुकी हैं, इनको भी चेंज करने का टाइम आ गया है. वर्कआउट कभी भी बिना वार्म अप के स्टार्ट नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले एक अच्छा वार्म अप होना ज़रूरी है ताकि सारी जितनी भी मसल्स हैं वो एकदम फ्री हो जाएं, वार्म हो जाएं और बहुत आसानी से आप अपना वर्कआउट कर सकें प्लस कोई भी इंजरीज ना हो. So today I am doing my shoulders with 3-3 kgs of plates. कौन कौन लोग हैं जो वर्कआउट सीखना चाहते हैं, होम वर्कआउट सीखना चाहते हैं, उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या चीज़ें हैं जो पहले बाद में लगती हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बहुत सी डिटेल्स होती हैं जो जान लेना ज़रूरी होता है. इनकेस आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. और आपका मेन चीज़ क्या है, लाइक एब्स आपको कम करने, यानी आपका बेली फैट काफ़ी ज़्यादा है आपको वो कम करने में इंटरेस्ट है,
या थाइज को कम करना है या टोन करना है एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब जो भी चीज़ आपका कंसर्न है आप उसको कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, फिर हम रिलेटेड वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इन केस आप डाइट वगैरह के लिए ज़्यादा परेशान हो तो वो भी बता दीजिएगा, उससे रिलेटेड भी। वैसे एक मैं सारा सीरीज लेकर के आने ही वाली हूँ, बट आई थॉट आप लोगों से पूछ लूँ क्या चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो वो पहले लेकर के हम आ जाएंगे। और ये जो बच्चा है बदमाश बच्चा, ये वर्कआउट करने में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मतलब एकदम परेशान कर देता है। हाँ मम्मा को परेशान करता है? नहीं नहीं करता है नहीं। जितना सीधा दिख रहा है उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये। क्यों सो लेट्स कंटिन्यू। डन विद द वर्कआउट एंड टोटली एग्जॉस्टेड। मैं अपना मील ले लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मील में मैं बता दूँ कि मैं अभी प्रोटीन शेक ले रही हूँ, दो एग्स ले रही हूँ, दो फुल एग्स है और साथ में है एक बनाना। और जल्दी फिर हम डिनर कर लेंगे, इस वजह से ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, अदरवाइज डिनर नहीं हो पाता है। तो ये सब करके फिर मिलती हूँ फ्रेश वैश होकर के। सो जस्ट अभी जैसे मैंने अपना पोस्ट वर्कआउट मील लिया, उसके बाद आरव ने जिद की कि उसको वेजिटेबल फिंगर्स खानी है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है बच्चों के लिए, आपके लिए भी, और बहुत चटपट से बन जाती है। तो मैंने जो बनाई है उसकी रेसिपी आप देख लीजिए, आई एम श्योर आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। वेजिटेबल फिंगर्स, इसके लिए हमने ये तीन मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए थे और उनको एकदम अच्छे से फाइनली ग्रेट कर लिया है। दो बड़े चम्मच सूजी, दो बड़े चम्मच दही, 10-12 फ्रेंच बीन्स हैं, इसको हमने एकदम बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज की गाजर है, इसको भी हमने बहुत बारीक घिस लिया है। साथ में एक मीडियम साइज की प्याज है, इसको हमने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। टेबल सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ में कुकिंग के लिए ऑयल चाहिए होगा। इन केस आप कोई और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। चलिए आइए बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बोल में हमने आलू ये जो ग्रेटेड है वो ले लिया है। अब इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे, ग्रेटेड कैरेट, फ्रेंच बीन्स, अनियंस और इसके साथ ही इसमें सूजी भी ऐड कर लेते हैं। नमक ऐड कर लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा चाट मसाला एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर बच्चे तीखा पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। एक बड़ा स्पून ले लीजिए और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, एक साथ पूरी नहीं ऐड करनी है, थोड़ी थोड़ी, पहले एक चम्मच दही ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे और कंसिस्टेंसी फिर चेक करेंगे। जैसा कि हमने इसमें मिक्स कर लिया है, दही अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है और अभी ये ड्राई ही है तो बाकी बची हुई दही भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी को खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये वेजिटेबल फिंगर्स या वेजिटेबल कटलेट जो भी आप कहना चाहें, उसका मिक्सचर रेडी हो गया है। अब किसी भी शेप में इसको मोल्ड करके और उसको हमें फ्राई करना है। चलिए इसको शेप दे लेते हैं। थोड़ा सा छोटा पोर्शन ले लिया हमने क्योंकि दही है तो हल्का गीला ही रहेगा। ऐसे शेप में इसको हम रेडी कर ले रहे हैं। तो ये हमने मोल्ड करके इसको रेडी कर लिया है। अब ऑयल को अच्छा गरम करके इसको हमें डीप फ्राई करना है। यहाँ ऑयल हमने अच्छे से हीट कर लिया है। हमने इसमें आज देसी घी ली हुई है इसको फ्राई करने के लिए, क्योंकि आई प्रेफर देसी घी ओवर एनी अदर ऑयल व्हेन इट कम्स टू किड्स। आइए ऑयल अच्छा हीट हो गया है, अब इसमें हम ऐड करते हैं। यहाँ पे फ्लेम को हमने तेज ही रखा हुआ है क्योंकि हल्का गीला है, तो अगर हम धीरे रखेंगे तो वो फैलने लगेगा। और प्लस सारी चीजें अच्छे से पकी हुई कुक है, सिर्फ जो वेजिटेबल्स है उसमें एक क्रंच आना है, इस वजह से आप फ्लेम को तेज ही रखिए। थोड़ा देर हो जाए, एक मिनट,
तो सारे को एक बार पलट लीजिए, क्योंकि सब स्टिफ हो गए हैं साथ में। अब फ्लेम को धीरे कर दीजिए और धीरे ही इसको हम पकाएंगे। एक मिनट तेज आंच पे और एक मिनट धीमे आंच पे ही करने से इतने ही टाइम में ये अच्छे से हो जाएगा। अब ये हो गया है, इनको हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ज्यादा ये डिलिशियस लग रहा है और बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, साथ में उतना ही हेल्दी भी है। इसको ट्राई जरूर से करिएगा। इवनिंग स्नैक में तो बच्चों को बहुत आराम से आप ये दे सकते हैं। अब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। वाओ, आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ज़रूर ज़रूर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारी हेल्दी चीज़ें हैं, बच्चे आनाकानी करते हैं खाने में, तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है। बच्चों को बहुत पसंद भी आने वाला है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में ये सबके साथ शेयर भी आप करते रहिए ताकि और लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकें।